गाइस मीराबाई का बचपन इसी महल में गुजरा था। छोटे से बड़े मीराबाई इसी महल में हुए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ मीराबाई की शिक्षा, जो कि मीराबाई की शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ भक्तिभाव संचार, इसके बाद मेरा दूल्हा कौन। मीराबाई महल में पहुंचने के बाद में यहाँ पे आपको एक फर्स्ट में देखने को मिलेगा एक बड़ा सा हॉल। और इस तरफ दूसरा कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो यहाँ यह मीराबाई के परिवार का दुर्ग था, जिसे अब एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यह संग्रहालय मीराबाई को समर्पित है। यह एक अत्यंत मनभावन संग्रहालय है, जहां इनकी जीवनी व कथाओं का प्रलिखन किया गया है। यह महल मीराबाई के दादाजी का महल राव दूदाजी का है, लेकिन इसे मीरा स्मारक के नाम से जाना जाता है। और ये मेड़ता, जो कि नागौर जिले में स्थित है, बहुत ही खूबसूरत ये महल आपको यहाँ देखने को मिलता है। बड़े बड़े गेट यहाँ आपको देखने मिलता है और महल की जो खूबसूरती है वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आप यहाँ से चारों तरफ से नज़र डाल के देख सकते हैं महल की खूबसूरती। और अभी अंदर ले जाकर आपको पूरा महल का नज़ारा भी दिखाने वाले हैं। मीराबाई का महल उस तरफ है और ये प्रवेश द्वार है, जो कि पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश करते हुए हम महल की तरफ जाएंगे। और जब प्रवेश द्वार पे यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलता है। इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू हमें महल में प्रवेश द्वार पे देखने को मिलता है। और वो सामने आपको महल देखने को मिलता है, जो कि मीराबाई का महल है, जो कि मीराबाई के दादाजी, जो पितामह थे राव दूदाजी, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। और यहीं मीराबाई का बचपन गुजरा था। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और कक्ष दिखाता हूँ, और जहाँ मीराबाई का बचपन गुजरा था वो मैं सब कुछ आपको उनकी जीवनी के बारे में वहाँ अंदर चल के बताता हूँ। तो लेट्स गो। मीराबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में एक राठौड़ राजपूत शाही परिवार में हुआ था, और उन्होंने अपना बचपन मेड़ता में ही बिताया था, जो कि आप ये महल देख सकते हैं, यहीं बचपन बीता था मीराबाई का। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मीराबाई का महल, और इस महल को राव दूदाजी, जो कि मीराबाई के दादाजी थे, उनका महल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इस तरफ चलते हैं तो हमारे को यहाँ पे कक्ष देखने को मिलते हैं काफ़ी, जो मैं आपको एक एक करके वो सारे कक्ष भी दिखाऊंगा। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा महल बना हुआ है, जो कि मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूँ। और ये यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश होते हुए हम आए थे, और यहाँ पहुँचने के बाद में कुछ ऐसा व्यू हमारे को इस महल का देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, और एक एक करके मैं आपको सारा वहाँ का मंदिर परिसर के जो भी कक्ष है वो दिखाने वाला हूँ, और जो मीराबाई की यहाँ पे जीवनी है वो दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गो। मीराबाई ने अनिच्छा से 1516 में मेवाड़ के महाराजा सांगा के पुत्र भोजराज से शादी की, और 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से उनके पति घायल हो गए थे, और 1521 में युद्ध के घाव में उनकी मृत्यु हो गई थी। और राणा सांगा, जो कि ससुर थे, खानवा की लड़ाई में हार के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और अपने ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने, और प्रचलित कथा के अनुसार ससुराल वालों ने कई बार मीरा को मारने की भी कोशिश की थी। अगर आप इस महल के अंदर आते हैं तो यहाँ देखते हैं आपको नागनेती माता का मंदिर देखने को मिलता है। ये राठौड़ घराने की कुल देवी है। मीराबाई भी राठौड़ कुल में ही जन्मे थे। नागनेती माता चक्रश्री माता के नाम से अवतार है, और ये मंदिर है उसी समय का है। इस मंदिर में वीर काल्या की एक मूर्ति है, जो कि यहाँ पे स्थित है। एक समय में अकबर की सेना में युद्ध करने वाले वीर कालिया, जो कि उनको देव मानकर यहाँ पूजा जाता है, जो कि ये प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलता है। बाहर से ये आप महल का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे खंडित हो गया, जो कि यहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य चलता है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको संपूर्ण महल का नज़ारा। मीराबाई महल में पहुँचने के बाद में यहाँ पे आपको एक फर्स्ट में देखने को मिलेगा एक बड़ा सा हॉल, जहाँ मीराबाई की जीवनी के बारे में दिखाया गया है। और एक एक करके यहाँ पे बहुत सारे कक्ष आपको दिखाई देंगे, तो भी आपको मैं कक्ष पे लेके चलूंगा और वहाँ दिखाऊंगा एक एक करके, जो भी मीराबाई की जीवनी के बारे में बताया है, मीराबाई का जो कक्ष है वो सब मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं आप काफ़ी पेंटिंग्स रखी गई है, जो कि मीराबाई की यहाँ पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करके आपको सब दिखाने वाला हूँ। महल परिसर में पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पे एक मीराबाई की मूर्ति दिखाई देगी, और पास में गिरधर गोपाल की भी सुंदर एक मूर्ति दिखाई पड़ती है।
और ये मीराबाई का एक परिवार का जो दुर्ग है, महल है, तो मीराबाई का जन्म यहीं बीता था। कक्षों में द्वारका व वृंदावन जैसे अनेक नगरों का चित्रण यहाँ पे मीराबाई ने भ्रमण किया था, वो आपको यहाँ पे चित्रों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। संग्रहालय में एक दीर्घ है जहाँ मीराबाई की कविता भी अंकित है। यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियां है जो कि गिरधर गोपाल मीराबाई की है, और चित्रण है। ऊपर से हम महल का नजारा देखते हैं तो खूबसूरत महल हमारे को यहाँ देखने को मिलता है जहाँ मीराबाई का बचपन बीता था। मीराबाई के दादाजी का ये महल है और मीराबाई के स्मारक से नाम से जाना जाता है, और ये मेड़ता में स्थित है। यहाँ अंदर सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको पेंटिंग से जो मीराबाई की देखने को मिलती है, और खूबसूरत महल है जो कि आप ऊपर छत पे नजर डालते हैं तो खूबसूरत महल यहाँ पे हमारे को सामने दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जहाँ पे मीराबाई की जीवनी के बारे में बताया गया है, उनका चित्रण किया गया है, उनके जो डाक टिकट जारी किया था उनके यहाँ पे चित्रण देखने को मिलते हैं। अंदर हम इस एक कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे खूबसूरत मूर्ति है जो कि मीराबाई की यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ पे चित्र है जो कि यहाँ पे समझाया गया, जैसे मीराबाई के राणा जी द्वारा समझाना, ये जहाँ भी मीराबाई ने भ्रमण किया था वो सारा चित्रों के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया, दिखाया गया, प्रकाशित किया गया, जिसे हम अच्छे से मीराबाई की जीवनी को समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये मीराबाई के जो गुरु थे वो यहाँ पे आपके उनका जो ये मूर्ति है वो देखने को मिलती है, और ये खूबसूरत पेंटिंग से जो मीराबाई को देखने को मिलती है, और ये जो डाक टिकट जारी हुआ था मीराबाई को वो देखने को मिलता है। मीराबाई की चुगली करना दासी का जो भी यहाँ पे चित्रण किया गया है, तो यहाँ पे चित्रण के माध्यम से मीराबाई की जीवनी को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मीरा महल के अंदर, यहीं इसी जगह मीराबाई का बचपन गुजरा था, यहीं मीराबाई जो बचपन में यहाँ खेली कूदी थी और यहाँ बड़ी हुई थी। एक इस कक्ष में आया हूँ, इस कक्ष में कुछ शानदार शानदार पेंटिंग्स है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरफ आप नज़र घुमा के देख सकते हैं, इस तरफ देखेंगे तो ये पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, और इस तरफ दूसरा कक्ष है, दूसरे कक्ष में जाते हैं तो यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स है और जो मीराबाई की जो जीवनी है उसको दर्शाया गया है, जो भी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। महल में जब आप प्रवेश करते हैं तो एक कक्ष इधर आपको देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर हम चलते हैं तो यहाँ अंदर जाने के बाद में कुछ हमारे को ऐसे यहाँ पे सीन देखने को मिलता है और ये कक्ष देखने को मिलता है इस प्रकार। मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, इधर से जाएंगे तो एक कक्ष यहाँ देखने को मिलेगा, इधर भी लेके चलता हूँ, एक कक्ष ही बना हुआ है, ठीक है। इधर से जाएंगे हम, इधर से जाने के बाद में एक कक्ष इधर और देखने को मिलेगा। तो इन कक्षों में जीवनी के बारे में बताया जो मैं आपको रियर कैमरे से भी आपको एक एक करके दिखा दूंगा। यहाँ मीराबाई के बाल्यकाल की जो भी है जो बता रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बारात गई थी, वो बारात वाला यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, बारात जा रही थी तब मीराबाई ने पूछा था वो यहाँ पे। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी शासक थे उनके यहाँ पे प्रतिमाएं देखने को हमें मिलती है। पीछे जब हम घूम के देखते हैं तो इस तरफ जब हम आते हैं तो इस तरफ हमारे को महल का कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे मीराबाई की प्रतिमा और इधर गिरधर गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इधर आप देख सकते हैं सुंदर यहाँ पे मीराबाई की आपको प्रतिमा देखने को मिलती है, नीचे लिखा हुआ है भक्त शिरोमणि मीराबाई। महल का व्यू कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। गाइस मीराबाई का बचपन इसी महल में गुजरा था, छोटे से बड़े मीराबाई इसी महल में हुए थे, और यहीं पास में एक मंदिर है जहाँ पे मीराबाई ने जिस मूर्ति की पूजा की थी, कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा की थी, वो मैं मूर्ति भी आपको दिखाऊंगा, और वहीं उनकी भक्ति में लीन रहा करती थी, और ये वही महल है जहाँ मीराबाई का बचपन गुजरा था। अब आपको हम लेके चलते हैं महल के ऊपर वाले भाग में जहाँ मीराबाई का बचपन गुजरा था। राव दीदा की पोत्री मीराबाई ने राज परिवार को त्याग कर भक्ति मार्ग को अपनाया। चित्तौड़गढ़ की महारानी का दर्जा हासिल करने के बाद भी उनका मन महलों में नहीं लगा, मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित कर। आज भी भक्ति शिरोमणि मीरा को मेड़ता में घर घर में पूजा जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा महल थोड़ा टूट फूट गया है तो उसका मरम्मत का कार्य यहाँ चल रहा है। यहाँ मीराबाई का बचपन बीता था, वो यहाँ पे यादें आज भी यहाँ पे ये महल समेटे हुए है और ये कहानियों को बयां कर रहा है। महल यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर वाले महल है, शायद यहाँ भी मीराबाई रहा करती होगी, यहाँ उनका बचपन
यहाँ पे बीता था और यहाँ पे ही वो पले बड़े हुए, खेला कूदा करते थे वो। यहाँ पे उनकी यादें यहाँ पे आपको इस महल में देखने को मिल जाएगी, जो आज भी ये महल उनकी यादों को बयां कर रहा है। मैं जब छत के ऊपर आता हूँ तो यहाँ भी एक कक्ष देखने को मिलता है। इधर आप देख सकते हैं ये झरोका बना हुआ है, और इधर हम जब घूम के देखते हैं तो इस तरफ भी एक झरोका बना हुआ है, जो कि ये सिर्फ हवा के लिए है। ऊपर मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है। यहीं इन कक्षों में मीराबाई का बचपन गुजरा था। मीराबाई यहीं छोटी से बड़ी हुई थी, और जो ये कक्ष देख रहे हैं आप, यहाँ मीराबाई रहा करती थी। तो आप देख सकते हैं, पूरे कक्ष में आपको घुमा के दिखा देता हूँ। अभी ये कक्ष है जो काफी टूटा हुआ भी है, काफी यहाँ पे खंडर हो चुका है। ये सिर्फ यहाँ पे मीराबाई का बचपन की जो कहानियां है वो यहाँ पे बयां कर रहा है, और आज भी उनकी यादों को समेटे हुए यहाँ ये खड़ा है। महल परिसर में आने के बाद में एक ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक सुंदर गार्डन देखने को मिलेगा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ गार्डन के आने के बाद में कुछ यहाँ पे शिलालेख लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ शिलालेख आपको मैं रियर कैमरे से दिखा दूंगा। यहाँ पे शिलालेख लिखा हुआ है, जो कि मीराबाई की जीवनी का लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीराबाई की शिक्षा, जो कि मीराबाई की शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ भक्तिभाव संचार, इसके बाद मेरा दूल्हा कौन, यहाँ पे विवाह के बारे में शिलालेख लिखा हुआ है, यहाँ कृष्ण के साथ साथ, यहाँ जागीर के शासनकाल का लिखा हुआ है, इस तरफ भोजराज का जो स्वर्गवास हुआ था वो शिलालेख, इस तरफ राणा जी का अत्याचार, इसके बाद में विष का प्याला, यहाँ पे तीर्थ यात्रा, और इसमें जीव गुस्सा ही जू मिली, जो कि ये दोहे का पूरा उच्चारण यहाँ पे, यहाँ द्वारिकावास का यहाँ पे शिलालेख, यहाँ अनक्षेत्र का, और इस जगह कृष्ण भक्ति में लीन हुए उसका। यहाँ पे विस्तार से मीराबाई की शिक्षा के बारे में बताया गया है, जो ये शिलालेख है वहाँ पे पूरा बताया गया है। यहाँ भक्तिभाव संचार बताया गया है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। मेरा दूल्हा कौन, मीराबाई ने बारात में पूछा था, वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे प्राचीन जो पुरानी शिवलिंग यहाँ पे रखी हुई है, विवाह जो मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज जी के साथ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जागीर महाराणा भाई की मीराबाई के साथ लिखा हुआ सब लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। यहाँ भोजराज जी का स्वर्गवास हुआ उसके बारे में लिखा हुआ, भोजराज जी का स्वर्गवास हुआ था, राणा जी ने जो अत्याचार किया था मीराबाई के उसके बारे में लिखा हुआ, विष का प्याला पिला के मारने की कोशिश की गई थी मीराबाई को उसका लिखा हुआ है, तीर्थ यात्रा बजा मीराबाई तीर्थ यात्रा के लिए गई थी वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे उनके लिखा हुआ है दोहे जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो विस्तार से यहाँ पे मीराबाई की जीवनी का पूरा विस्तार से यहाँ बताया गया है, जन्म से लेकर जो शादी हुई है और जो भी वहाँ पे द्वारका गए थे भ्रमण किया वो सारा इन शिलालेखों के माध्यम से आप यहाँ पे बताया गया वो पढ़ सकते हैं आप। अन क्षेत्र के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ द्वारका धाम में, जो भी यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। कृष्ण भक्ति में लीन हुई थी मेढता से उन्हें वापस बुलाने के लिए किया था। ज्योतिर्मय है जो 48 वर्ष में द्वारका में गई थी, वो मूरत से सूरत मिली वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जो जयमल राठौड़ जी थे जो भाई थे मीराबाई के, उनके बारे में भी यहाँ पे शिलालेख लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनकी जीवनी के बारे में जानने को आपको मौका मिलेगा यहाँ पे। गाइज मीराबाई के दादाजी को जांबोजी महाराज ने एक खरगोश का जोड़ा दिया था, केर लकड़ी तलवार आदि दिए थे, तो राव दुदाजी ने इसी जगह वो खरगोश का जोड़ा रखा था, वो आज भी यहाँ पे खरगोश का जोड़ा रखा गया है। हालांकि वो खरगोश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा आज भी रखा जाता है, इसी जगह रखा जाता है, जो आपको खरगोश है यहाँ देखने को मिलता है, खूबसूरत खरगोश आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जगह साथ में। इजाजत दीजिए मुझे, जय हिंद जय भारत माता।